आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। अमेठी जिला के कमरोली थाना क्षेत्र के रोड नंबर 3 पर मीडिया सेंटर का उद्घाटन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी व सपा नेत्री विमलेश सरोज ने किया। उन्होंने कहा कि देश सरकार की नीतियों नियम को जनता तक पहुंचाने व जनता की समस्या आवश्यकता को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक साथ सेंटर खुलना लोगों के लिए सहायक होगा। ईबीसीसी चेयरमैन मकसूद खान, प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष शीतल प्रसाद मिश्रा, व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सोनू यसैनी, नीरज सिन्हा, उद्यमी तौसीफ अहमद सहित लोगों ने मीडिया सेंटर को सराहा। अमेठी से ब्यूरो चीफ वसीम के साथ अरमान की रिपोर्ट। क्या था यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो ये कंबाइंड ऑफिस स्टार्ट हुआ है उसके लिए सभी जितने लोग मौजूद हैं सभी गणों को बधाई देती हूँ। और इसी के माध्यम से जितनी सबकी समस्याएं हैं, जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक स्थिर ऑफिस बनने से उन लोगों की बहुत मदद होगी कि अपनी जो भी समस्या है मीडिया तक पहुँचेगी और मीडिया द्वारा तब तक पहुँचेगी जहाँ उसका जिस जगह है। तो इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ। मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया में, इससे जिला के और यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिल सकता है? मैं सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक मीडिया सेंटर यहाँ पे कायम किया है जिससे घटना दुर्घटना की सूचनाएँ और उनका समाधान आपके माध्यम से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया सेंटर का उद्घाटन था, इससे क्या अपेक्षाएं आप लोगों को? ये सेंटर खोलने से जो यहाँ के लोकल के जनता की समस्याएं हैं वो नेतृत्व तक पहुँचेंगी और उन जनता की समस्याएं उनका समाधान होगा। और यहाँ इस कार्यालय के खुलने से हम सभी मीडियाकर्मियों को भी सहूलियतें मिलेंगी, जनता को सहूलियतें मिलेंगी। इसके लिए मैं सभी मीडियाकर्मियों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि इससे जनता की जो है समस्याओं का समाधान होगा। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।